नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्थ टेक पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अनलोकाइंड 80 टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट का यूज कब करना है, कैसे यूज करना है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, फ्रेंड्स पूरी जानकारी देंगे। कृपया वीडियो को पूरी देखें। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और दवाओं के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं अनलोकाइंड 80 टैबलेट के बारे में। फ्रेंड्स, इसके मार्केट प्राइस की बात करें तो ₹25 इसकी मार्केट प्राइस है और 10 टैबलेट की ये एक स्ट्रिप आती है और ये मैनकाइंड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि बहुत ही बेहतर कंपनी है। और फ्रेंड्स, बात करते हैं इस टैबलेट के यूजेज के बारे में। तो फ्रेंड्स, अनलोकाइंड 80 हाई ब्लड प्रेशर को लो करने की दवा है। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है और उसे कम करना है, लो करना है, तो इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके कंटेंट के बारे में। तो इसमें एमलोडिपिन और एथेनॉल होता है। एमलोडिपिन 5 mg और एथेनॉल 50 mg होता है। फ्रेंड्स, एमलोडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, जो कि नसों को चौड़ा करता है, जिससे ब्लड का बहाव नॉर्मल हो जाता है। और एथेनॉल बीटा ब्लॉकर है, जो कि हार्ट रेट को रेगुलर करता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये दोनों कंटेंट मिलके काम करते हैं। और फ्रेंड्स, आइए बात कर लेते हैं इस टैबलेट के डोज के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बता दें कि इस टैबलेट को कभी भी बिना डॉक्टर के राय से नहीं लेना चाहिए। इस टैबलेट का यूज अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही करना चाहिए। और इस टैबलेट का डोज फ्रेंड्स, नॉर्मली एक गोली सुबह और एक गोली शाम होती है, या किसी किसी को एक गोली एक टाइम चलती है, किसी को आधा गोली चलती है एक टाइम। तो ये निर्भर करता है मरीज के स्थिति पर। डॉक्टर ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, उसके अनुसार ये अपना डोज बताएंगे, तो उस हिसाब से इसका यूज करना होता है। और फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं कि कुछ सावधानियों के बारे में, किन लोगों को ये टैबलेट नहीं लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान इस टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। और जो लोग शराब का सेवन करते हैं, उन लोगों को भी इस टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की जानकारी अनलोकाइंड 80 टैबलेट के बारे में। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।